हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। मच अवेटेड सीरियल नागिन 3 जल्द ही शुरू होने वाला है। इस शो के ऑन एयर होने से पहले सीरियल से जुड़ा ऐसा खुलासा हुआ है जिससे एक चैनल को बड़ा नुकसान हो सकता है। इस बात का खुलासा स्पॉट बॉय ने किया है। जानकारी के मुताबिक नागिन 3 सीरियल इस बार क्लर्स पर नहीं बल्कि स्टार प्लस पर टेलीकास्ट हो सकता है। नागिन सीरियल की टीआरपी हमेशा से ही ज्यादा रहती है, ऐसे में इस सीरियल को अपने चैनल पर दिखाने की होड़ लगना लाजमी है। खबरों की माने तो इस बार स्टार प्लस ने नागिन के तीसरे सीजन के लिए बोली थोड़ी ज्यादा की लगाई है, जिस वजह से यह सीरियल क्लर्स के हाथ से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि वेब सीरीज वक्से के लॉन्च के दौरान प्रोड्यूसर एकता कपूर ने कहा था कि उनकी पैसों को लेकर क्लर्स टीस से लगातार बात हो रही है। जानकारी के मुताबिक एकता कपूर चाहती हैं कि इस बार चैनल शो के पैसे थोड़े बढ़ा दें, जिसकी वजह नागिन 3 के बजट में इजाफा होना है। वहीं ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि स्टार प्लस चैनल कुछ फिक्शन शो की संख्या बढ़ाना चाहता है। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि नागिन 3 स्टार प्लस की झोली में आ सकता है, क्योंकि उनकी बोली कलर्स से काफी ज्यादा है। आपको बता दें, नागिन 3 में मौनी रॉय की जगह सुरभि ज्योति, करिश्मा तन्ना और अनीता हसनंदानी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यह सीरियल मार्च में टेलीकास्ट होगा।